1997 यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। साइकोलॉजिस्ट ने 36 बास्केटबॉल प्लेयर्स को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप ए को बोला गया कि आपको 30 दिन तक डेली 1 घंटे फ्री थ्रो की प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप बी को बोला गया कि आपको 30 दिन तक कुछ भी नहीं करना, बस आराम करना है। और ग्रुप सी को बोला गया कि आपको बैठे बैठे सिर्फ ये इमेजिन करना है कि आप एक परफेक्ट फ्री थ्रो कर रहे हो। 30 दिन बाद जब तीनों ग्रुप्स के परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया, तब रिजल्ट देखकर सब दंग रह गए। जिस ग्रुप ने डेली प्रैक्टिस करी थी उनका परफॉर्मेंस 24% बढ़ा था। जिस ग्रुप ने सिर्फ आराम किया था उनके परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस ग्रुप ने सिर्फ बैठे बैठे परफेक्ट फ्री थ्रो विजुलाइज किया था उनका परफॉर्मेंस 23% तक बढ़ गया था, यानी डेली प्रैक्टिस करने वाले ग्रुप से सिर्फ 1% ही कम। देखो बॉस, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस डिफरेंस को नहीं जानता कि आप कोई चीज रियल में कर रहे हो या सिर्फ विजुलाइज। फॉर एग्जांपल, जब आप एडल्ट कंटेंट देखते हो तब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता और आपकी बॉडी में वो चेंजेस करना शुरू कर देता है जो आपके अंदर लव मेकिंग के दौरान होते। रीजन यही है कि किसी भी काम की प्रोसेस को विजुलाइज करने से आपके ब्रेन का वो सेम हिस्सा एक्टिवेट होता है जो रियल में वो काम करते वक्त होगा। इसीलिए जैसे भी आप सोचते हो उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। अगर विजुलाइजेशन का यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो, देन बिलीव मी, आपके अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा।